जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर एक न्यूज है कि मध्य प्रदेश में पुलिस उप निरीक्षकों के 750 पद खाली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा क्या है ये, सभी लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिएगा वीडियो को लाइक कर लें। 2016 में हुई थी आखिरी भर्ती प्रस्ताव को शासन से नहीं मिल रही मंजूरी। यहाँ पर शासन इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश में उप निरीक्षकों के 750 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। इसके बाद भी 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं इनकी जो है भर्ती नहीं हुई है। इनकी आखिरी बार जो भर्ती हुई थी 2016 में इसकी भर्ती हुई थी। इसके बाद से शासन के पास उप निरीक्षकों की भर्ती को लेकर बार बार प्रस्ताव पहुंच रहे हैं, लेकिन इन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस आयोजकों की इस बार 7,500 की भर्ती होना है और इससे पहले 6,000 पुलिस आरक्षकों की भर्ती हुई है। पुलिस आरक्षकों की भर्ती तो हो रही है, लेकिन पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है। वर्ष 2016 में पुलिस आरक्षकों और पुलिस निरीक्षकों की जो है भर्ती हुई थी। इसके बाद से प्रदेश में पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, जबकि प्रदेश में इसके 750 से ज़्यादा पद भी खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा 4 बार शासन को भेज चुके हैं प्रस्ताव। जी हाँ, सूत्रों की माने तो इस संबंध में पिछले कुछ सालों में 4 बार प्रस्ताव शासन के पास जा चुका है। कोरोना के बाद 6,000 पुलिस आरक्षकों की भर्ती की जा रही थी, उस दौरान 450 उप निरीक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन इसको मंजूरी नहीं दी गई। इससे पहले भी इतने ही उप निरीक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, वह भी मंजूर नहीं हुआ है। अब फिर से 500 के लगभग उप निरीक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उप निरीक्षकों के 400 से ज़्यादा पद जिला बल में खाली पड़े हुए हैं, वहीं विशेष सशस्त्र बल में 300 के लगभग पद जो हैं खाली पड़े हुए हैं। पुलिस में 4 स्तरों पर भर्ती होती है। आरक्षक की भर्ती के बाद उप निरीक्षकों को सीधी भर्ती होती है, इसी तरह DSP की सीधी भर्ती होती है। इन 3 स्तर के अलावा IPS बनकर भी पुलिस में अफसर आते हैं। उप निरीक्षकों की सीधी भर्ती वाले अफसर पदोन्नत होकर DSP तक का पद तक जो है आसानी से पा जाते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में करीब 800 पद यहाँ पर उप निरीक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। और एक और बात बता दें आपके लिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश में MP पुलिस की भर्ती अब आने वाली है बहुत ही जल्द। 7,500 पद जो हैं आएंगे MP पुलिस में। और अभी जो है MP पुलिस की जो है यहाँ पर जो हाल ही में अभी पटवारी की जो है वैकेंसी आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, और MP वन रक्षक की जो है नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो इस प्रकार जो है MP पुलिस का भी जो है बहुत ही जल्द जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। 7,500 पदों पर इसकी भर्ती होगी। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जो है लाइक शेयर अवश्य करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।